नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज मैं आपके सामने बेहद ही खास टॉपिक लेकर आया हूं। एक नई तरह की टेक्नोलॉजी आई है, उसी के लिए हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान मौजूद है, रवि भाटिया, जो आईटी इंडस्ट्री से है और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सर, इसके अलावा एक अलग दुनिया है टेक्निकली, आपको ज्यादा पता होगा, डार्क वेब। इतने सारी बात और डार्क वेब की बात ना हो तो कैसे पॉसिबल है? मैं पर्सनली कभी डार्क वेब पे कमेंट नहीं करता, बट मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? एक कंट्री थी, अभी डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको अमेरिका मानते थे, उसको किसी और कंट्री की वो करनी थी ट्रैकिंग कि कौन क्या कर रहा है। अब दूसरी कंट्री को हम रशिया मानते थे। अब जब उसको ट्रैकिंग करनी थी ना, तो इतना एडवांस हो चुका था दुनिया कि वो ये पता कर सकते थे कि ये कौन सा आईपी एड्रेस से हम पे ट्रैक कर रहा। तो उन्होंने क्या करा कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसा ब्राउजर बनाते हैं जो आईपी एड्रेस जंप मारता रहे, कभी इधर का, कभी इधर का, कभी इधर का, तो रशिया को नहीं पता चलेगा। अब इसमें कैच क्या था कि जो रशिया था, अब उसको ये पता कि सिर्फ अमेरिका के पास वो ब्राउजर है, तो तुम जौन सा मर्जी आईपी एड्रेस मारो, अगर एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन को ले रहा है, उनको पता है कि भाई ये वहीं से आ रही है। तो उन्होंने क्या करा, उस ब्राउजर को पब्लिक कर दिया और वहां से शुरू हुआ डार्क। ओके। आज की दुनिया में आपने नाम सुना होगा टॉर। टॉर, टॉर एक ब्राउजर है, वो सबके पास है। मैं अभी भी कह रहा हूं ये कहानी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट ये कहानी है और आज की डेट में भी सबको पता है टॉर अगर आप यूज करते हैं आपका एड्रेस जंप होता रहेगा। सबको पता है किसने लॉन्च किया, सबको पता है क्यों लॉन्च किया, अभी भी यूज हो रहा है और इसके ऊपर 100% श्योर अनएथिकल ज्यादा चीजें होती हैं। तो माय रिकमेंडेशन, आप प्लीज कभी यूज मत करो टॉर, मत डाउनलोड करो। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो आपका एड्रेस जंप होता जा रहा है, वहां से भी काफी चीजें आपके लैपटॉप पे की जाती है। इन पर अगर आपने कभी यूज करा होगा, टॉर पे आ जाता है मैसेज कि इसको मैक्सिमाइज मत करो अपनी स्क्रीन के हिसाब से, बिकॉज वो इतना स्मार्ट है कि वो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन का साइज भी कैच करता है और वो इन्फॉर्मेशन भी आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। सर, हम इतने एडवांस है और इतने फास्ट है, क्या हम उस पे रोक नहीं लगा सकते क्या? आप क्या मतलब कि उसमें वही वाली बात है ना कि सब चोर थे, सबने एक दूसरे को दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल 10 हैं, 10 के 10 चोर हैं, अब शक ना हो जाए कि किसने किसको मारा, तो सबके हथियार सेम कर दिए। आप करते रहो, अब वो इतना पब्लिक हो चुका है, इतना पब्लिक हो चुका है, देयर इज नो एंड। होगा, फॉर श्योर होगा, बट फिलहाल पिक्चर ये है। देखिए सर, मेरे अंदर एक सवाल आया है सारे क्वेश्चंस में, जैसे कि हमने 1985 का टाइम हमने नहीं देखा, लेकिन 2010 का देखा है, अब 2023 का हमने देखा, क्योंकि हम काफी मैच्योर हो चुके हैं इसमें। आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद क्या होगा और 2050 में क्या होगा, इसको आप इंडिया को कैसे देखते हैं? देखो, इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है और उसका एक मैं रीजन देता हूँ। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज हो गई, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी बिजनेस करो आपको आईटी पर डिपेंडेंसी है और दुनिया में इंडिया एक ऐसा हब है। लोग, आपने सुना होगा कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, हमें पूछो, हमें हायरिंग करनी होती है, हमें लोग नहीं मिलते, इतना बुरा हाल है। मतलब कि आज की डेट में अगर आप थोड़े भी स्किल्ड हो, अच्छे हो, तो बहुत अच्छा बूम है। बाय सेइंग दिस, इंडिया के पास रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। 90s में जैसे आपने एग्जांपल दिया, तब सर्विस डिपार्टमेंट खुला था, तब हमें पता होता था कि हमें ये काम करना है, हम एक छोटा काम करते हैं। आज के डेट में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको आईटी सेक्टर के अंदर बेंगलोर को बनाया गया था उस टाइम पर। एग्जैक्टली, अब हैदराबाद है, अभी गुड़गांव आप देखो, साइबर सिटी देखो, आप जाके देखो। मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैं दिल्ली में रहता था तब, तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा और ये कहीं ना कहीं आईटी की देन है आप सच में। और अगेन, अब मैं उसके आपके क्वेश्चन पे आंसर करने का ट्राई करता हूँ, तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है बिकॉज हमारे पास गोल्ड है इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज जो कि दुनिया को चाहिए, और फ्यूचर टेक पे रहेगा। अभी मुझे नहीं लगता अगले 200-300 साल तक कुछ नया आने वाला है जो टेक को शायद रिप्लेस कर दे। हाँ, इंटरलेस कुछ पैंडमिक जैसी कुछ और एक्टिविटी, और मेटावर्स जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया, आगे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड में मतलब कि उसमें दोनों पार्ट होते हैं, उसमें वर्चुअल भी होगा, नकली भी होगा, असली भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों बैठे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं, आप रियल हो लेकिन आपको मैं दिखूंगा, मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, लेकिन इट्स लाइक अ 3D इमेज और मेरे प्रॉपर आपको दिखेंगे। मतलब कि मेरे अगर फिंगर का साइज ये है तो आपको यही दिखेगा। तो ये फ्यूचर है और ये प्योर टेक पर डिपेंडेंट है
और सो ये टू समराइज अगेन, फ्यूचर बहुत अच्छा है बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, पूल बहुत अच्छा क्रिएट कर रखा हमने टेक का, और आगे मेटावर्स नहीं आना है, वो बहुत इमेच्योर है अभी, लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है और डिपेंडेंसी इंडियन लोगों पे ही रहने वाली है, स्पेशली टेक डिपार्टमेंट। और सर 2050 में बिल्कुल ही बिल्कुल, मतलब 2050 जैसे कुछ ऐसा और एडवांस और क्या आ सकता है आपके ख्याल से? देखो मेरे को जो लगता है ना, मेटावर्स बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। अब मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेडिकल कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वहां पे एक स्टूडेंट है, उसको सर्जन बनना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे, जैसे मुन्ना भाई हमने देखा था, वो बॉडी को सब्जेक्ट बोलते हैं, अब वो भी लिमिटेड है। अब मेटावर्स में आपके सामने एक 3D बॉडी होगी जो कि रियल नहीं है, लेकिन आप उसको जब उस पर प्रैक्टिस करते हो वो 100% रियल रहेगा। और ऐसी आप कितनी सारी क्लोन कर सकते हो। आप वो सोचो, आज से 50 साल पहले जो सर्जन निकलता होगा उसने कितने ही लोगों के ऊपर एक्चुअली प्रैक्टिस करी होगी, और जो 2050 में सर्जन निकलेगा वो कितने लोगों के एक्चुअली प्रैक्टिस कर चुका होगा। I mean, है तो क्लोन ही, बट वो कट करता है तो उसके ऊपर जो ब्लड का प्रेशर आता है, जो उसको अंदर वीन्स दिखती है, वो सब रियल होने वाली है। और ये तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल्डिंग भी खड़े होने वाली है, अब रेस लगी हुई है बुर्ज खलीफा से बड़ा बनाना है, लेकिन बनाओगे कैसे? अब बना के तो नहीं देख सकते, बन गया तो ठीक, नहीं टूट गया तो हो गया नुकसान, नहीं कर सकते ना। तो वहां पे मेटावर्स बहुत हद करने वाला है। तो आप इमेजिनेशन से बहुत आगे निकल जाओगे। इट्स प्योर लाइक कि सोचो मेटावर्स में आप कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप रियलिटी के बहुत पास आओगे। उसको जितना क्लोजली आप कर पाओगे उतना आप रियलिटी में बूम कर सकते। तो ये थे हमारे साथ रवि भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि AI क्या है, ML क्या है और IoT क्या है, इसका हमारी जिंदगी में और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। सर आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।